हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज़ कीर्ति और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप कितनी आसानी से बना सकते हैं आलू बैंगन घर पर। सो आलू बैंगन की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए जिससे कि मेरी सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले आए। एंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आलू बैगन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिए हैं बैगन। आप इसमें कोई से भी बैगन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने छोटे बैगन का यूज किया है। एंड अब इन बैगनों को हम अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। इधर मैंने छोटे बैगन का यूज करा है तो इसलिए मैंने इसमें छिलका नहीं उतारा है, और अगर आप बड़े वाले बैगन यूज करते हैं तो उसका आप छिलका उतारिएगा। सो नेक्स्ट, अब हम सारे बैगनों को इसी तरीके से कट कर लेंगे। एंड अगर आप लोग चाहें तो इसके थोड़े से बड़े पीस भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, सारे बैगन अच्छी तरीके से कट हो चुके हैं। अब इनको बढ़िया से हम पानी में वॉश कर लेंगे जिससे कि ये थोड़े से जो काले हो चुके हैं ये वाइट हो जाएं। एंड वॉश करने के बाद इसको 2 से 3 गिलास पानी में हम भिगाकर छोड़ देंगे जिससे कि ये फिर से काले ना पड़ जाएं। जब बैगनों को पानी में बढ़िया से हम भिगा लें तब दूसरी साइड हम कट कर लेंगे थोड़ी सी वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 3 आलू, 3 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 मिर्च। अब हम इन चारों चीजों को बढ़िया तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारे टमाटर भी कितने अच्छी तरीके से चॉप हो चुके हैं, इसी तरीके से हरी मिर्च भी कट चुकी है और बारीक कटा हुआ धनिया भी इधर हो गया है, और आलूओं को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमारी सारी वेजिटेबल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से कट चुकी है, तो अब हम जो ये बैगन का पानी है इसको भी बाहर निकाल लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आलू बैगन की रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम गैस पे रख देंगे प्रेशर कुकर, उसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज करा है जिससे कि जो टेस्ट आए इसमें वो एकदम परफेक्ट आए। और अब इसको गर्म होने देंगे। जितने तेल हमारा गर्म हो रहा है अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले एक कटोरी में मैंने ले लिया है 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च एंड 1 बड़ा चम्मच हल्दी का पाउडर। और सारी चीजें हम इसमें डालने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे मसाले को। इस मसाले को आप ऐसे भी बना सकते हैं या आप इसमें डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं सब्जी में। एंड मसाला रेडी हो चुका है। अब हम देख लेंगे तेल को। इसमें डाल देंगे 2 तेजपात के पत्ते, 1 चुटकी हींग, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, और फिर इन सारी चीजों को हम तेल में चला लेंगे एंड जीरे को ब्राउन होने देंगे। 2 जीरा जैसी ब्राउन होने स्टार्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाला और उसको इसमें भून लेंगे। आप लोगों को इस मसाले को बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें भूनना है जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। अगर आप लोग टमाटर पहले ऐड कर देते हैं और मसाला बाद में ऐड करते हैं तो वो वाला टेस्ट इसमें नहीं आ पाएगा। और जैसे ही मसाला थोड़ा सा भुन जाए तब इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसको भी बढ़िया से इसमें भून लेंगे। जैसे ही हमारी मिर्च भुन जाती है तब इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और अब इसे हम अच्छे से पकने देंगे। एंड जो टमाटर हैं उनको बढ़िया तरीके से इसमें गलने देना है। इसमें आप कोई भी पानी ऐड मत कीजिएगा, अभी पानी को हमें बाद में ऐड करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो थोड़े थोड़े गलने स्टार्ट हो चुके हैं। बस इसी तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे जिससे कि ये नीचे से जल ना जाए। और इसमें से तेल भी निकलना स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब है कि मसाला इसमें भुन रहा है धीरे धीरे। एंड यहाँ पर हमारी टमाटर की ग्रेवी कितनी बढ़िया तरीके से पक चुकी है। अब इसमें ऐड कर लेंगे कटे हुए आलू
और इसको इसमें मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में, जिससे कि इसका जो सारा मसाला है ग्रेवी का वो आलू में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए आलू तो मिक्स हो चुके हैं, अब बारी आती है बैगन को ऐड करने की, और बैगन को भी हमें इसी तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें दोनों भी एक साथ ऐड कर सकते हैं, पर आलू पहले करेंगे तो ये थोड़ा सा मसाले का टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। और दोनों चीजें मिक्स होने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे आधा कटोरी पानी, और आप लोग आधा कटोरी पानी से बिल्कुल भी ज्यादा पानी मत डालिएगा इसमें, एंड पानी को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब सब्जी बन चुकी है, अब इसका हम ढकना लगा देंगे प्रेशर कुकर का, और इसमें 2 सीटी आने तक का वेट कर लेंगे, 2 से ज्यादा सीटी मत लीजिएगा। अब यहाँ पर 2 सीटी आ चुकी है, अब हम प्रेशर कुकर को खोलकर देख लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसको अब हमें मिक्स कर लेना है, और अगर आप लोग चाहें इसे थोड़ा सा और ज्यादा गाढ़ा करना तो इसको आप मंदी गैस में पकने दीजिएगा। और यहाँ पर कितना बढ़िया कलर भी आया है हमारे आलू बैगनों में। एंड अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई आलू बैगन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी और रेसिपीज भी चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर। वहां पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जहां पर आपको मेरी बनाई हुई हर रेसिपीज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि कुकिंग से लेकर मिठाई तक की। तो आप प्लीज एक बार जरूर विजिट कीजिएगा मेरे चैनल में जाके। और यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसमें अब डाल देंगे हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। एंड ये देखिए कितनी ज्यादा इजी है ये रेसिपी को बनाना, और कितनी जल्दी बन जाती है। फिर अब हम इसको अच्छे तरीके से पहले हम चला लेंगे, फिर इसको हम एक बोल में सर्व कर लेंगे, एंड धनिया डालने के बाद ये और भी ज्यादा टेस्टी लग रही है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। और यहाँ हमारी तैयार है टेस्टी एंड यमी आलू बैगन की सब्जी, एंड इसी के साथ आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को बना के, और मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको ये खाने में कैसी लगी। और अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई आलू बैगन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों पर सबसे पहले आए। और आप सभी मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये रही मेरी आईडी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।